स्वागत है आपका आज के हमारे ब्लॉग में। और आज है 17 तारीख और सुबह के 7 बज चुके हैं। और आज बच्चे सुबह सुबह गाड़ी में बैठे हुए, देखो कितु यहाँ से दिख रही है और सिमू फ्रंट सीट। सिमू सिमे, और ये बैठे सिमू यहाँ पे अपने मामा की साइड देख रही है और कितु हो रही है अंदर। बाय कितु, जा रहे हैं आज ये बच्चे तो गए। आज आप सारा दिन वेले बिल्कुल, तो चलो। और मासी भी और के तैयार, मासी जाएगी वो देखो। और एक्चुअल में बच्चे नहीं जा रहे, मासी और सोनू जाएंगे। बच्चों को तो अब यहाँ से उतारना पड़ेगा और अब रोएंगे और धोएंगे, नाटक देखना उनके। अब एक का बैंड बाजा तो हो चुका है शुरू जाने के नाम पे। बच्चा कोरोना हो गया शुरू क्योंकि गाड़ी चली गई है और ये यहीं रह गए, इसलिए अब कितु तो बहुत देर रोएगी। कितु तो अब चुप नहीं होने वाली गाड़ी के लिए। और इधर भी ये देखो, ये भी करी, मैं भी जाऊंगी। सी लेके चली गई है उसे तो चुप करवा कर, नहीं तो मनने वाली नहीं थी। मैं बोला चिज्जी चुज्जी खाएंगे, वो देखो हो गई। और वो तो जा रही, सिम्मू को भी रह रह के नानी की और गाड़ी की याद आ रही है। वो देखो यू कह रही है गई गई, वहाँ गई, कह रही हाथ गेट की साइड करके, कह रही वहाँ गई। कहाँ गई सिम्मू नानी? सिम्मू की बॉल आ गई, वो देखो। हम तो तीनों माँ बेटी नहा चुके हैं। कितु ये पैंट के ऊपर देखे, ये निक्कर पहन रही थी। क्या पहने थे कितु? छी गंद, ऐसे नहीं फेंकते, गंदी बात होती है कपड़े फेंकना बेटा। और अब ब्रेकफास्ट का टाइम, तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ये आधी रोटी कितु के लिए और मलाई, और ये मेरे लिए। कितु चलो खाएंगे, ये आपकी मलाई आपकी रोटी। मैं जब तक कर लेती हूँ फैन और लाइट ऑन। ओए लाइट तो ऑन नहीं होगी, लाइट एक लाइट खराब हो गई है। तो लो भाई कितु लग गई है रोटी खाने, तो सिमू को भी मैं खिला दूंगी अपने साथ बिठा के। तो चलो अब मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद। दोपहर के बच्चों के 12:30 और सिमू सो गई थी तो ना मैं ही थी। अच्छा सो गई थी तो फिर मैं सूट सिलने लग गई थी। मुझे लालच हो गया कि अब जो है फटाफट सूट सिल लेते, तो काफ़ी कंप्लीट हो गया है। लैस लगानी है उस सूट पे, तो इसलिए लैस के चक्कर में रुका हुआ, बस रोक दिया मैंने। और फिलहाल हम आ गए इधर मौसी की साइड और हम सारे जने मिलके खा रहे हैं। चिज्जी है देख लो, सारे जुटे हुए आ रही है, जैसे सिमू को खिला रही है। कितु अलग लेकर आई है, नहीं इधर राजू लगी है और मौसी भी लगी हुई है खाने। बीजू रह गया पीछे से देखेगा तो फिर कहेगा मैं रह गया, सूट मेरा आधा रह गया। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अगर मुझे टाइम लगा मार्केट में जाके, और आज लैस ले आएंगे, कल तैयार कर लेंगे, फिर उसके बाद करेंगे पैकिंग, क्योंकि हमारे जाने की डेट हो चुकी, दिल्ली जाने की डेट हो चुकी है हमारी फिक्स। लेकिन अभी आप लोगों को नहीं बताएंगे, आपको तो सीधा सरप्राइज देंगे सबको। अब बज चुके हैं 5:30 और मैं चली गई थी मार्केट, क्योंकि मुझे कुछ लैस वगैरह लेकर आनी थी। तो मार्केट गई मैं, वो व्लॉग मैंने नहीं बनाया क्योंकि धूप बहुत थी। और मोटरसाइकिल पे वैसे गए थे, सिमू को ले गए थे, और फिर मार्केट में भी थोड़ा ही काम था, ज़्यादा काम नहीं था। उसके बाद हम चले गए थे वर्षा के घर, बस आके फिर कपड़े वपड़े रखे थे मेरे सुबह के धोने वाले, वो धोने लगी थी। और अब आके बैठ के वेली होकर एकदम बातचीत कर रहे हैं। बच्चे घूम रहे हैं, वो देखो सिमू वहाँ घूम रही है और कितु अंदर, यहाँ पर रूम है, क्या नाम है, इधर टीचर रहते हैं, उनके रूम में खेलने लगी हुई है। मासी गुस्सा कर रही है बीजू को, क्योंकि बीजू शायद उससे लड़ रहा है, क्या कहते हैं कितु से। वो देखो राजू चैल भी आ चुके, मैं राजू को लेके गई थी मार्केट में, और कुछ नहीं, थोड़ा सा सामान लेकर आई मैं, लैस वगैरह बस। शाम के 7 बज चुके हैं भाई, लाइट आई है, अभी मैंने कपड़े धोए थे हाथ से। तो अब मैं मौसी तोजे के साइड मशीन रख रखी थी बाहर, मैंने सोचा चलो इस पर ट्रायल कर देती हूँ। आज मैंने 2 बार कपड़े धो लिए, एक बार मैं मार्केट से आगे थी तब धो दिए थे, फिर अब कुछ कपड़े और हो गए थे। कितु का बैग था, कितु की कैप थी, और एक सूट मेरा था जो मार्केट में पहन के गई थी, और छोटे मोटे 2-4 कपड़े और थे। एक मेरे शूज़ थे जो मैं वॉक पे पहन के जाती थी, और वो धो के मैं ड्रायर करने आई हूँ। और मासी और वो काट रही है घास, देखो गंडासी, देखो मासी और जस्सी लगे हुए हैं
घास कूटने। राजू ले आई थी आज, जाने की सोच रहे थे आज, फिर मैं गई नहीं, थक से गई थी मार्केट से आने के बाद। और तीसरी बार के कपड़े सिमू ने तैयार कर चुके हैं, सारे कपड़े गिले कर रखे हैं आगे से, और मिट्टी में भी गंदे से कर रखे हैं, क्योंकि बाथरूम में घुस गई थी मैं जब कपड़े धो रही थी साथ में ही, तो सारे कपड़े गंदे से कर रखे। अभी तीसरी बार वाले कपड़े ये देखो आगे से आप देख रहे होंगे, वहाँ पैरों के पास वहाँ से कैसे पीले पीले कर रखे हैं इसने कपड़े। तो मासी आराम से कूटने लगी हुई है, चलो कूट लेते हैं, कहा सफर रिकॉर्ड कर लेते हैं जब तक। अब बज चुके रात के 8:30 और अब है टाइम डिनर का। पैकिंग मैंने थोड़ी सी कर ली अभी, और अब भूख लग गई बहुत तेज से, क्योंकि यहाँ दोपहर को भी खाना नहीं खाया था, तो जल्दी से खाना खा लेते हैं और फिर मिलते हैं। कपड़े अपने मैंने तो सुखा दिए ड्रायर करके। आज बनाए हैं चावल, तो चलो इन्हें फिनिश कर लेते हैं।